हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर। लास्ट हमने मैथ्स के लेक्चर में फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट किया, राइट? मैंने वर्कबुक में भी जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो सब आपको करवाए, और मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दी है, तो वो आपने डन कर लिया होगा, राइट? नाउ वी लर्न अबाउट नंबर ऑफ 10 to 20। चैप्टर नंबर 5 में हमें 10 से लेके 20 तक के नंबर्स के बारे में बताया गया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 10 नंबर किसे बोलते हैं, 11 नंबर किसे बोलते हैं, यहाँ हम थोड़ा डीप में देखेंगे। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यस, these all are 10 sticks. Then what is this? This is bundle of 10. मतलब जो ये 10 जो अलग अलग ये स्टिक है इसको एक बंडल बना दिया है, तो इसे हम कितनी काउंट करेंगे? 10। ये जब भी आप ऐसा बंडल देखो तो उसको हम 10 ही नंबर रखेंगे। ओके, 10 स्ट्रॉबेरीज, काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बंडल ऑफ 10, मतलब एक उसका बंच बना दिया और उसको हम 10 नंबर्स, यहाँ पे 10 टोटल हो गई। देन माचिस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बंडल ऑफ 10। Then bananas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and bundle of 10। मतलब जब भी आपको ऐसा बंडल दिखे तो उसे हम क्या नंबर देंगे? 10 नंबर। ओके, टर्न योर पेज। नाउ मेक अ ग्रुप ऑफ 10। यहाँ पे आपको बहुत सारी थिंग्स दी गई है, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया गया है। 10 को काउंट करके एक ऐसा ग्रुप बनाना है, तो हम यहाँ पे सेकंड में बनाएंगे कुल्फी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक का हमारा ग्रुप बनेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। Like this, understand? चलो next again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से बनेगा हमारा 10 jars, 10 jars का group बन गया, right? आप पेंसिल इरेजर लेके ही बैठना ताकि मेरे साथ ही टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो जाए, बाद में आपको सिर्फ वर्कबुक में ही करने का रहे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से डन। देन पेपरमेंट, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से बनेगा, राइट? डन। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। यहां पे हमें काउंटिंग करना सीखना है 10 से 20। देखो यहाँ पे क्या कितनी मैचेस है वो हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 में 1 ऐड किया प्लस 1, 9 plus 1 मतलब 1 ऐड किया, तो कितनी स्टिक्स हो गई? 10। तो अब ये 10 का बंडल बन गया। जब भी आप ऐसा बंडल देखो तो इसको आपको क्या काउंट करना है? डायरेक्ट 10, 10 plus 2, 10 plus 3, मतलब 10 के बाद कितने नंबर्स आते हैं वही हमें करने। ये सब स्टिक अलग से काउंट करनी नहीं है, ये जब भी बंच आता है, बंडल आता है, तो इसे हम 10 नंबर ही समझेंगे। ओके, चलो यहाँ पे 10 नंबर का
ये 10 मैचेस है प्लस 1, 10 प्लस 1 कितने होते हैं? 11। वैसे ये एग्जांपल दिया गया है 10 प्लस 2 तो 12, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 स्टिक बनानी है, राइट? तो 1, 2, 3, 4। ऐसी भी आपको जैसी भी आए ऐसी आप बना सकते हो, ओके? देन 14। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। 10 में 5 ऐड करते हैं तो कितने आते हैं? 15 आते हैं नंबर्स, राइट? ये आपको पता ही है। 10 प्लस 6 कितनी स्टिक्स है यहाँ पे? 10 प्लस 6, 6 मतलब 1 6 आएगा, राइट? यहाँ पे कितने आएंगे? 1 6 16। 10 प्लस 7, यहाँ पे 7 नंबर दिया गया, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 स्टिक्स बनाएंगे। तो चलो मैं बनाती हूँ, आप भी आपके साथ मेरे साथ ही बना देना, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डन। 10 प्लस 8, हाउ मच देन 10 प्लस 8? यस, 18। 10 प्लस 9, यहाँ पे हमें 9 दिया गया ही है, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 मतलब 1, 9, 19। 10 प्लस 10, देखो ऐसे 2 बंडल्स आए तो हम क्या काउंट करेंगे? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। हाउ मच नंबर? 20। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट नंबर्स। यहाँ पे हमें 10 का ग्रुप बनाना है और हमें कितने होते हैं ये टोटल, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आइसक्रीम है, उसको 10 का ग्रुप बनाया गया है और 1, 2, 3 है, तो 10 कितने हैं? तो कि 1 है। और 1s कितने हैं? ये 3 है, 3 है वो। 1 से लेके 9 नंबर तक है वो 1s है। कौन से है? 1s, O-N-E-S, 1s। एंड 10s कौन से है? 10 से लेके 99 नंबर तक, कौन सा? 99, राइट? वहां तक के सब कितने हैं? 10s है, वो सब नंबर्स है वो क्या है? 10s है। 1s नंबर क्या है? 1 से लेके 9 तक, तो 1s 10 का एक ग्रुप है और ये सब 1s में आएंगे ना, 1 2 एंड 3 है, तो ये 1s आएगा। तो 1s कितने हैं? तो कि 3। एंड 10 कितने हैं? तो कि 1। चलो यहाँ पे हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलो मेक अ ग्रुप ऑफ 10, देन काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5। तो हाउ मच 10s? देर आर 1 10 एंड देर इज 5 10s आएंगे, राइट? तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, 5, 15। देर आर ऑनियंस, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से ग्रुप बनेगा हमारा 10। समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या करना है? 10s का ग्रुप बनाना है और जितने जो यहाँ पे बचती है उसे भी यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके? 10s 1 है, 10 1 है और 1s कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 1, 8, 18।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसका ग्रुप बनेगा यहां से 1 तो यहां का बचेगा। ओके, मैंने ऐसे किया है। चलो काउंट करेंगे, 10 का 1 ग्रुप बन गया। अब 1s कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 9, 19, 7, सेम करना है हमें, हमें जो नेक्स्ट अगले पेज में किया वैसे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। तो मेक अ ग्रुप ऑफ 10। देन 1 1s, 1 10 एंड 1 1s, राइट। 1 ही स्नेक बचा है, तो टोटल कितने स्नेक हुए, 11। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो हम यहां से लेंगे, यस, बन गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 6, 1 एंड 6, 1, 6 है एंड 10s कितने हैं, 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 का ग्रुप बनाएंगे, यस। एंड देन 1s काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3, तो 1s आएंगे 3 और 10 1s, यहाँ पे टोटल आएंगे 1, 3, 13। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे स्नेक की तरह हमें जाना पड़ता है, राइट, ग्रुप बनाने के लिए। 1, 2, 3 एंड 4, तो 1s कितने हैं, 4 एंड 10s 1, 1, 4, 14। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे।